आज एक मतलब कि वैसे तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है हनुमान जयंती और आज मैंने पूजा किया है हनुमान जी का। ये देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ रामनवमी होती नहीं है, तो एक्चुअली हम लोग हनुमान जी का ही पूजा करके और जो राम जी का जो फ्लैग होता है ना, वो हम लोग आज के ही दिन ही लगाते हैं। तो इसीलिए वो तो पूजा कर लिए थे, सुबह में फ्लैग लगा दिए थे और मेरा जो था बाकी का पूजा, जैसे प्रसाद चढ़ाना बाकी सब, वो मैंने किया है और मेरा पूजा हो गया है और मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। ये इतने सारे किताब है, पढ़ाई तो करना भी नहीं है बट सब निकाल के रखेगी कि हाँ पढ़ रहे हैं। नर्सरी बच्चा लोग का इतना कोई किताब होता है? भगवान, रख दी सब। बोलो ना क्या हुआ, भूख लगी है? रुको, दे रहे तुमको, रुको, चिल्लाओ मत, म्याऊं म्याऊं करके खाली चिल्लाते रहेगी ये बिल्ली। नया बिस्किट लाया, हाँ बीका रंग का, बीका रंग का तो खा ले, खाओगी? हाँ, बीट को भी दे दे, बीट को भी। लो ट्राई करो, खा के देखो। खाना कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ, मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ खावे कैसा है। बहुत ही टेस्टी है, इतने सारे बेक वाले बिस्कुट होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इसको मैं डब्बा में रख देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाए, क्योंकि इसका कंटेनर तो है नहीं फिलहाल। तो ये डब्बा हो गया खाली और सब बिस्किट तो एक डब्बे में नहीं हुआ, तो एक और डब्बा मैंने लिया था जिसमें मैंने भर दिया। ये चाय के साथ बहुत टेस्ट होएगा और ये जो कंटेनर है ना, इसको मैं अपना काम लगाऊंगी, मतलब कि इसको फ्रिज में, जैसे कि ऐसा दो तीन और कंटेनर है जिसमें मैंने एक में भिंडी रखी है, एक में टमाटर रखा है, तो ये लुक भी अच्छा लगता है। और इसमें देखते हैं मैं क्या रखती हूँ, या फिर करेला वगैरह वो सब रख दूँगी मैं, तो इसको आप यूज़ भी करूँगी। मैं तो ऐसे ही यूज़ करती हूँ, मैं डब्बे वगैरह खरीदती नहीं हूँ, जो मिलता है उसी को काम में लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने रख दिया है, इसमें जो कटी हुई सब्जी वगैरह जो थी वो सब मैंने रख दिया इसमें। इसमें देखिए, इसमें भिंडी रखती हूँ, इसमें टमाटर है, बाकी ये सब है, ये सब काम में आ ही जाता है, डब्बे वगैरह बहुत। सो कुकिंग तो हो गई है, तो अभी मैं हवा खा रही हूँ, उसके बाद खाना खाने जाऊँगी, क्योंकि तो पसीना पसीना हो गई थी कुकिंग करने के टाइम। और फिर आज एक मतलब कि वैसे तो ठीक है, वैसे तो जैसे कि आज हनुमान जयंती है, तो मैं मतलब कि कुछ नॉनवेज तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन बाई मिस्टेक बना लिया है मैंने, क्योंकि कल बाज़ार गए थे तो मतलब कि जो फिश लाए थे वो ज़्यादा हो गया था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया और मुझे इतना भी ध्यान नहीं कि चलो कल है पूजा, और उन्होंने ही मुझे खरीद के दिया था और उनको ही पता नहीं है कि हाँ चलो ठीक है कल पूजा है। तो मैंने कहा था उनको कि आप थोड़ा सा ही लीजिए, क्योंकि फिर तो संडे को बने गए, तो वही मतलब कि बन गया, बना लिया है मैंने। दाल बनाए हैं, फिश और राइस तो बनता ही है और कुछ नहीं, तो वही हम खा लेंगे।
वैसे तो अगर फिश चाहे तो 4-5 दिन हम लोग रख सकते हैं, लेकिन उस टाइप से हम लोग खाते भी नहीं और उनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ, रखती नहीं हूँ। बाई द वे वैसे तो बाज़ार जो है बहुत दूर है यहाँ से, हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है रखना स्टोरेज करके, बट नहीं रखते हैं, किसी किसी का पसंद होता है नहीं होता है। तो खैर छोड़ो, ताज़ा ताज़ा खाओ वो भी अच्छी है, तो वही सब है। तो अभी तो फिर उसके बाद लंच करूँगी, लंच करके फिर उसके बाद रेस्ट करना है, और आज तो छुट्टी है, नहीं तो मैं स्कूल चली जाती, अब तक तो मेरा ड्यूटी होता है स्कूल जाने का। और उसके बाद तो मतलब टाइम ही नहीं। तो अभी मैं बाहर गई थी क्योंकि जो मेरी जो बड़ी वाली लड़की है उसका तबीयत ख़राब हो गया, बुखार हो गया। बुखार तो नहीं हुआ है, मैंने चेक किया था थर्मामीटर से तो बुखार नहीं था, बट हाँ उसका थोड़ी सर्दी खांसी हो गया। आजकल तो जानते हैं फ्लू जो होता है वेदर चेंज होने से बच्चों को ही ज़्यादा अटैक पड़ता है, तो वो था। तो मैंने दवा तो लाई है और मैं तो अभी फिलहाल चुरमुर खा रही हूँ, तो मैं चुरमुर भी लाई है, मैंने बनाया नहीं है, घर में बना भी सकते हैं लेकिन मैं खा भी रही हूँ खरीद के, बहुत टेस्टी है, मुझे तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं अभी कुकिंग करूँगी, सोच रही हूँ कि आलू दम और पराठा बना लूँ। मेरा फेवरेट सीरियल नागिन चालू हो गया क्योंकि वो मैं मिस नहीं करती हूँ, वो मेरा फेवरेट है, तो वो मैं देखती हूँ और उसके बाद जाऊँगी कुकिंग करने। मतलब कुकिंग करते करते बनाऊँगी, ऐसे पोजीशन में है कि मैं टीवी भी देख सकती हूँ और कुकिंग भी कर सकती हूँ। तो फिर तो अभी के लिए फिलहाल मैं टाटा बाय बाय करती हूँ, गुड नाइट, टेक केयर, आई एम सो ड्रीम, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।